क्यों छोड़ा? तब नारद जी ने कहा, देवी इसलिए छोड़ दिया, ये परम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत् फलम लगते सम्मक करो केशव कीर्तनाथ। जो फल तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा नहीं प्राप्त होता है, वह फल कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन करने से मिल जाता है। यदि राजा परीक्षित कलयुग को मार देते तो भगवान के नाम के प्रताप से कलयुग में लोगों का उद्धार नहीं हो पाता। इसलिए शास्त्र अनभ्यसनाश्चैव ध्यान योग परम गतः। शास्त्र का अध्ययन लोगों ने बंद कर दिया, इसलिए ध्यान का फल और योग का फल समाप्त हो गया। यदि शास्त्र में अध्ययन में प्रवृत्ति होती तो लोग ध्यान लगाते, ध्यान का फल मिलता, योग का फल मिलता। लेकिन शास्त्राध्ययन बंद हो गया, व्याकरण पढ़ना बंद हो गया, न्याय पढ़ना बंद हो गया, मीमांसा पढ़ना बंद हो गया, वेदांत पढ़ना बंद हो गया। अब लोग न्याय नहीं पढ़ते, वेदांत नहीं पढ़ते, व्याकरण नहीं पढ़ते, साहित्य नहीं पढ़ते, अब अंग्रेजी पढ़ते हैं। और उसका परिणाम क्या, गांव में सत्य नारायण व्रत की कथा सुनाने वाला भी कोई नहीं मिलता। अब तो लोग टेप लगा करके बैठ जाते हैं और कथा का पूजन कर लेते हैं और कथा सुन लेते हैं। मैंने देखा अमेरिका में, मैंने देखा इंग्लैंड में, वहां लोग टेप रख करके पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं, आरती उतारते हैं। कथा सुनाने वाला कोई नहीं है, पूजन कराने वाला कोई नहीं। यहां तो पूजन कराने वाले पंडितों को मैंने देखा। ध्यान रखेगा सज्जनों, इसलिए भक्ति ने नारद जी से कहा, सुरक्षे तुम समर्थोसी मत भाग्ये समागत साधु नाम दर्शनम लोके सद सर्व सिद्धि करम फल। ए देवर्षि नारद, आप धन्य हैं, मेरे भाग्य के कारण ही मुझे ऐसा लगता है कि आपका दर्शन हो गया है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम सर्व सिद्धि करम परम, साधुओं का दर्शन ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति का लक्षण है। इसलिए आपके दर्शन से आज मुझे विश्वास हो गया है कि हमारे इन दोनों पुत्रों का कल्याण जरूर होगा, दोनों पुत्रों का कल्याण होगा। और निश्चित ही इसलिए कि संत का काम है उपकार करना, परोपकार करना। नयन निकट काजल बसे पै दर्पण दर्शाए त्यों साधु के संग मिल हर छवि नहीं लखाए। जैसे नेत्रों के पास में काजल लगा दिया जाता है तो काजल लगाने से जैसे नेत्र निर्मल हो जाता है, वैसे ही जब साधुओं का संग प्राप्त हो जाएगा तो साधुओं के बगल में भगवंत की भी छवि दिखाई देने लगेगी। इसलिए आज मेरा सौभाग्य है कि संत का दर्शन हो गया तो भगवंत का दर्शन जरूर हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा, संत बिटप सरिता गिर धरनी, संत बिटप सरिता गिर धरनी, परहित हित सबन कर करनी, परहित हित सबन कर करनी, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहि न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत दुखनीता, पर दुख द्रवई संत दुखनीता। संतों का बहुत बड़ा महत्व है। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को जिंदा करता हूं। पुत्रयो चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। भक्ति ने कहा, देवर्षि नारद, जल्दी से मेरे पुत्र को आप जिंदा कर दीजिए।